सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम है प्रवीण कुछल। कुछल साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सोनीपत शहर के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, इस जगह का क्या नाम है जी? इसको ये पुरानी जगह है जी हमारी, इसको बोलते हैं जी रामलीला ग्राउंड। अच्छा हाँ जी, तो रामलीला ग्राउंड के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ऐसा है जी, यहाँ पे बहुत भव्य मेला भरता है, माई की कृपा सब पे बनी हुई है जी, और मैं ये आशा करता हूँ कि माई की कृपा सब पे बनी रहे और सुखदायी फल माई सबको दे, और मैं यही माई से अरदास करता हूँ। अच्छा, ये चलो आपकी अरदास कबूल हो जाएगी। जो आपके संपर्क के हैं, आपके इष्ट हैं, आपके मित्र हैं, आपके सगे, आपके संबंधी, जो माता के भक्त हैं दूर दराज में जो यहाँ नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या आपका संदेश होगा? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि ये जो जिंदगी है हमारी, ये बहुत भागा दौड़ी की जिंदगी है, इससे थोड़ा सा समय निकाल के माई के दर्शन करने के लिए अवश्य आए। माई बहुत कृपा करती है और जिस पे कृपा करती है उसके धन धन्य हो जाता है। सर आपका पूरा जो ना जो कारोबार है, आपकी उम्र है, दो चीज़ें बता दें। सर मेरी उम्र 60 अबव है और मेरा कपड़े का व्यापार है। ये आपने 60 साल की उम्र के अंदर जो अनुभव किया है, मैं चाहूँगा कि नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप ऐसी 3 बातें बताएं जिससे उनका कारोबार आगे बढ़ जाए, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए। सर मैं तो यही कहूँगा कि इस जो भागा दौड़ी की हमारी जो जिंदगी है, इसमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए, उनके लिए ज़रूर निकालें, उनके चरणों में उनका ध्यान करें, व्यापार में, शरीर में सब में वृद्धि होगी। ये मेरी अपनी एक पर्सनल वो है, असेसमेंट है जी। जो माई, जो भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी से भी जुड़े हुए हों, मैं ये नहीं कहता, श्रद्धा है अपनी अपनी, वो जिसके भी इष्ट देवता हैं, देवियां हैं, उनका ध्यान करें। इस भागा दौड़ी जिंदगी में से 10-5 मिनट जितना भी समय मिले उनके लिए ज़रूर निकालें, इसका हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, ये मेरी अपनी सोच है। अच्छा, आप माता के जो दरबार में आए और जो है आते भी हैं, तो कोई ऐसी आपकी स्मृति पटल के ऊपर, कोई आपके ऐसी यादगार के अंदर, कोई ऐसी कभी घटना हुई हो जो आपको अच्छी लग रही हो, आज रह रह करके आपको याद भी आती हो? सर ऐसा है, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े, मेरे सब माई के चरणों में आते रहे हैं और उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी थी कि तुम माई के चरणों में जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ये हमारा एक निश्चल निटल फैसला है। तो ऐसी कोई हमारे जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई कि हम माई के दरबार में आ रहे हों और हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब माई प्रेमियों से यही अरदास करूँगा कि थोड़ा सा समय जरूर निकालें अपनी ज़िंदगी में, माई के इस देवी देवताओं के चरणों में अवश्य आए, फलदायी वो फलदायी उसका फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी विश्राम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत करी, शुक्रिया आपका।